गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव सेट लर्न कर रहे थे हम अपना, और हमने एडजेक्टिव सेट 8 में कितना लर्न कर लिया था, 1 to 25 एडजेक्टिव्स. ओके, आज हम लर्न करेंगे 26 to 50 एडजेक्टिव्स. कितने लर्न करेंगे, 26 to 50. ओके, तो चलिए लर्न करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर. न्यूक्लियर मतलब क्या होता है बच्चों, एकल. न्यूक्लियर मीन्स एकल. जैसा हम बोलते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, एकल परिवार होता है जिसमें पापा मम्मी और केवल उनके बच्चे. तो न्यूक्लियर मीन्स एकल. NUCLEAR न्यूक्लियर मीन्स एकल. क्या होता है न्यूक्लियर मीन्स एकल. ओके, नेक्स्ट न्यूमरस. न्यूमरस मीन्स होता है बहुसंख्यक. न्यूमरस मीन्स बहुसंख्यक, मतलब बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में. ठीक है, न्यूमरस थिंग्स मतलब अनगिनत चीज़ें, बहुत सारी. तो NUMEROUS न्यूमरस मीन्स बहुसंख्यक. अगला है ओल्डन. ओल्डन मीन्स पुराना, जैसे ओल्डन बुक्स पुरानी किताबें, मतलब जो चीज़ पुरानी है उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्डन. OLDEN ओल्डन मीन्स पुराना. नेक्स्ट है आपकी पेनफुल. पेनफुल मीन्स क्या होता है बच्चों, दर्दनाक. पेनफुल मीन्स दर्दनाक, मतलब जो चीज़ आपको दर्द पहुँचाए, जो चीज़ आपको दर्द पहुँचाए. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वेरी पेनफुल, मतलब यह है बहुत पेनफुल है, बहुत दर्दनाक है, मतलब इसको यूज़ करने से आपको दर्द होगा. तो पेनफुल मीन्स दर्दनाक. ओके, आगे देखिए बच्चों. नेक्स्ट है पेट्रियार्कल. पेट्रियार्कल मीन्स क्या होता है, पुरुष प्रधान. हमने मैट्रियार्कल पढ़ा था, मैट्रियार्कल मतलब महिला प्रधान, मतलब जिसमें जो हेड हो वो कौन हो, महिला. और पेट्रियार्कल मीन्स पुरुष प्रधान, मतलब जिसका जो हेड हो वो कौन हो, मेल, पुरुष हो. पैट्रियार्कल मीन्स पुरुष प्रधान. आगे देखिए, एक बार इसकी स्पेलिंग रीड कर लेते हैं. PATRIARCHAL पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान. अगला देखिए प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल मीन्स होता है बहुमात्रा में. बहुमात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में, बहुत मात्रा में. ठीक है, बहुत मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में. प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मीन्स होता है बहुत मात्रा में, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में. PLENTIFUL प्लेंटीफुल, बहुत मात्रा में. अगला देखिए बच्चों पॉइंटेड. पॉइंटेड मीन्स नुकीला. कोई चीज़ पॉइंटेड है, पॉइंटेड का मतलब बिल्कुल नुकीली है. नुकीली इस तरीके से उसकी जो मतलब नुक है, जो उसकी जो ऊपर ये पॉइंट है वो कैसा है, बिल्कुल पतला है, नुकीला है. पॉइंटेड मीन्स नुकीला. ओके, POINTED पॉइंटेड मीन्स नुकीला. आगे देखिए पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनैतिक. POLITICAL पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक, मतलब जो सरकार से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल. जैसे बोलते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब जो लीडर्स हैं वो किससे संबंधित हैं, सरकार से, राजनीति से संबंधित हैं. तो पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक. अगला देखिए बच्चों प्राइवेट. प्राइवेट मीन्स होता है व्यक्तिगत, निजी, किसी का कोई चीज़ अपनी है, प्राइवेट है ना. जैसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर का मतलब वो मेरा खुद का है, पर्सनल, प्राइवेट, व्यक्तिगत, मेरा खुद का है, निजी. ठीक है, खुद का होना जिसको, या हम प्राइवेट ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ बातें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं, जिन्हें हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते. तो प्राइवेट मतलब खुद का, निजी, व्यक्तिगत. ओके, PRIVATE प्राइवेट मीन्स व्यक्तिगत या निजी. आगे देखिए नेक्स्ट प्राउड. प्राउड मीन्स क्या होता है, घमंडी. PROUD प्राउड मीन्स घमंडी भी होता है, और होता है आत्म अभिमानी. क्या होता है, आत्म अभिमानी.
ओके, मतलब जो अपने ऊपर विश्वास रखे, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो, जो अपने ऊपर प्राउड करें, ठीक है, उसको अपने ऊपर क्या हो, विश्वास हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो, आत्माभिमानी है वो, ठीक है। तो प्राउड मीन्स, या कभी कभी हम बोल सकते हैं गर्व, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मुझे आप पे गर्व है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, मुझे आपको आपके ऊपर प्राउड है, मतलब गर्व है, ठीक है। जैसे आई एम प्राउड ऑन यू, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूँ, या आई फील प्राउड ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। तो प्राउड मीन्स क्या होता है बच्चों, घमंडी या आत्म अभिमानी, ओके, PROUD। नेक्स्ट है बच्चों आपकी पब्लिक, पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, जैसे जो सबकी हो, पूरी जनता की हो, ठीक है, सामान्य जो जनता है उसकी हो, पूरी उसी की हो, तो पब्लिक मीन्स सार्वजनिक। जैसे हम बोलते हैं, अभी हमने इसका अपोजिट पढ़ा प्राइवेट, प्राइवेट मतलब खुद का, निजी, तो प्राइवेट टॉयलेट्स मतलब खुद की निजी टॉयलेट्स, और पब्लिक टॉयलेट्स मीन्स पब्लिकली टॉयलेट जो हैं, या हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक फ़ोन, तो ये फ़ोन कैसा है, पब्लिक है, मतलब हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्राइवेट फ़ोन मतलब मेरा एक खुद का फ़ोन है, हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है बच्चों पफ़ी, पफ़ी मीन्स होता है फूला या सूजा हुआ, पफ़ी मीन्स फूला या सूजा हुआ। जैसे मैं बोलूँ पफ़ी आइज, मतलब फूली हुई या सूजी हुई आँखें, ठीक है, PUFFY, पफ़ी मीन्स फूला हुआ या सूजा हुआ। नेक्स्ट है बच्चों आपका पंचुअल, पंचुअल मीन्स होता है निश्चित समय पर या पाबंद, पंचुअल का मतलब होता है जो इंसान समय का ध्यान रखे, जो इंसान समय का ध्यान रखे, सारे काम समय पर करे, उसके लिए पाबंद हो वो कि मैंने हाँ ये टाइम सोचा है तो मुझे उसी समय पर उस काम को करना है। तो हर किसी को पंचुअल होना चाहिए, पंचुअल होने का मतलब कि उसको अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, तो पंचुअल मीन्स होता है निश्चित समय पर या पाबंद, ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों रेनफेड, रेनफेड मीन्स है वर्षा आधारित, जैसे हम बोले रेनफेड रिवर्स, मतलब ये जो नदियाँ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके पर आधारित हैं, वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर, ठीक है। तो रेनफेड रिवर्स मीन्स वर्षा आधारित नदियाँ, मतलब जो नदियाँ हैं वो अपने पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है, रेन पर, किसके ऊपर आधारित है, रेन पर। या हम कह सकते हैं रेनफेड क्रॉप्स, मतलब ये जो ऐसी फसलें हैं जो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आधारित है, वर्षा पर। तो रेनफेड मीन्स क्या होता है, वर्षा आधारित, RAINFED, रेनफेड मीन्स वर्षा आधारित। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजक, जो चीज़ें आपको मनोरंजन कराएं, जैसे हम बोले रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपने EVS में चैप्टर पढ़ा है ना रिक्रिएशनल गेम्स एंड रिक्रिएशन नल, तो रिक्रिएशनल का मतलब क्या है, रिक्रिएशनल का मतलब है मनोरंजक, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब ऐसी गतिविधियाँ जो आपको मनोरंजन कराएं, मनोरंजन महसूस कराएं, ठीक है। अगला है रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है बच्चों धार्मिक, धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स, मतलब ये जो फेस्टिवल्स है, त्यौहार है, वो किससे रिलेटेड है, धर्म से, तो धार्मिक मीन्स रिलीजियस, रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस मीन्स धार्मिक। नेक्स्ट है बच्चों आपका रूलर, रूलर मीन्स होता है देहाती, देहाती का मतलब ग्रामीण, जो विलेज का, जो ग्रामीण जो इलाका है, जो विलेज का है, रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण इलाके, मतलब जो विलेज से रिलेटेड है, ठीक है, देहाती, शहर से रिलेटेड नहीं, और शहर से रिलेटेड होगा तो वो अर्बन होगा, अर्बन एरियाज, और रूरल मतलब देहाती ग्रामीण इलाका, ग्रामीण, ओके, आई बात समझ में। आगे देखिए, देखिए क्या है नेक्स्ट, सॉल्टी, सॉल्टी मीन्स नमकीन, मतलब जिसमें नमक भरा हो, जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो, नमकीन हो, सॉल्टी मीन्स नमकीन, मतलब नमक से भरा हुआ, ओके।
SALTY, सॉल्टी मीन्स नमकीन। जैसा हम कहते हैं समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो सॉल्टी होता है, क्या होता है वो, सॉल्टी। सी वाटर इज सॉल्टी, ओके, सॉल्टी मीन्स नमकीन या खारा। आगे देखिए सैंडी, सैंडी मीन्स रेतीला, रेतीला का मतलब है जो रेत से भरा हो, बालू से भरा हुआ हो। जैसे सैंडी रोड, हम कह सकते हैं कोई रोड है जिसके ऊपर रेत ही रेत है, सैंडी पार्क, मतलब वो पार्क उसके अंदर रेत ही रेत भरी हुई है पूरा, ठीक है। सैंडी मीन्स रेतीला, SANDY, सैंडी मीन्स रेतीला। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स होता है कम महत्वपूर्ण। जैसे हम कह सकते हैं एक प्लांट के पास सेकेंडरी रूट्स हैं, मतलब एक ऐसे रूट्स हैं जो कम महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। SECONDARY, सेकेंडरी मीन्स होता है कम महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण ना होना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट सेमी, सेमी मीन्स क्या होता है बच्चों, आंशिक, आंशिक का मतलब है आधा, हाफ। जैसे सेमी सर्कल होता है ना, तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल तो ही पूरा, और सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, ठीक है, मतलब आधा पार्ट, तो सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, आंशिक मतलब आधा, हाफ, ओके। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंसिंग, सेंसिंग मीन्स होता है संवेदी, संवेदना, संवेदी, संवेदना मतलब किसी चीज़ को अनुभव, अनुभव किसी का, ठीक है, उसको महसूस जो है हमने फील किया उसको, सेंसिंग मीन्स संवेदी, SENSING, सेंसिंग मीन्स संवेदी, या फिर हम संवेदना भी बोल सकते हैं, ओके। आगे देखिए सेपरेटेड, सेपरेटेड मीन्स होता है अलग, सेपरेटेड मीन्स अलग। जैसे सेपरेटेड क्लासेस, सेपरेटेड क्लासेस मीन्स अलग अलग क्लासरूम्स, अलग अलग क्लासेस, ओके। सेपरेटेड रूम्स मतलब अलग अलग, जो अलग अलग हों बिल्कुल, है ना, सेपरेट हों, सेपरेट मीन्स होता है ना अलग करना, तो सेपरेटेड मीन्स अलग। सेपरेटेड रूम्स मतलब अलग अलग कमरे, सेपरेटेड ड्रेसेस मतलब अलग अलग ड्रेसेस, सेपरेटेड मीन्स अलग, SEPARATED, सेपरेटेड मीन्स अलग। आगे देखिए सेवरल, सेवरल मीन्स क्या होता है बच्चों, कई, सेवरल मीन्स कई, बहुत सारे। जैसे हम कहेंगे सेवरल ड्रेसेस, तो कई सारी ड्रेसेस, सेवरल पीपल मतलब कई सारे लोग, सेवरल रूम्स मतलब कई सारे कमरे, सेवरल बुक्स मतलब कई सारी किताबें, तो सेवरल मीन्स कई, SEVERAL, सेवरल मीन्स कई। नेक्स्ट है शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स हैरान हो जान, हैरान होना, हैरान, शॉक्ड मीन्स हैरान, चकित। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा या आपने घोस्ट देखा, कम से भूत देखा, और आप क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, चकित हो गए, शॉक्ड हो गए, हैरान रह गए, ठीक है। तो शॉक्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, हैरान, आई गॉट या आई शॉक्ड, ये एडजेक्टिव की तरह है, जैसे शॉक्ड, सो शॉक्ड मीन्स हैरान, ओके। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है, हमने एडजेक्टिव सेट को दो बार लर्न किया, एक बार पहले हमने 1 to 25 लर्न की, और एक बार हमने 26 to 50 लर्न की, ठीक है बच्चों। तो आपने 1 to 25 एडजेक्टिव सेट 8 तो लिख लिया होगा, आज आपको क्या करना है, एडजेक्टिव सेट 8 के 26 to 50 एडजेक्टिव्स को अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करना है, ओके। साथ के साथ आपको सारे वर्ड्स अच्छे से लर्न भी करने हैं, ओके बच्चों, बाय बाय।